आइए चलते हैं डाक बाबू के पास और पूछते हैं कि मोबाइल के दौर में उनकी जिंदगी कैसी गुजर रही है। वेलकम टू मस्तियाँ। बहुत मजा आया आपने जब मुझे डाक बाबू कहा ना। लेकिन वीना जी, एक तो ना शिकायत है क्या कि जो तो मैंने बुलाना सी कि जेड़ा साड़ी रोजी रोटी दा दुश्मन बेड़ा गर्क किया, तुसी नाल इन भी बुला लिया है। डाकिया साहब, तुहाडी रोजी रोटी नहीं, इन्हें लोगों का सुकून बर्बाद किया। इसे भी दो दो हाथ करते हैं आज। ऐसा कमीनी चीज है ये, एक घर च अगर 14 जी ने और अमन सामने बैठे फिर किसी ने गल नहीं कर रहे। तो सरदार साहब, फायदे भी तो है ना उसके। फायदे कड़े ने ईमान नाल, इतना मजा आंदा हुंदा सी जो डाक लेके जाना पूरे पिंड ने कहना साडा नहीं खाता आया, साडा नहीं आया। वो जो फेस से खुशियां होंदियां सन वो मुक गईयां ने। जिस तरह आप कह रही है ना कि ऑडियो लीक्स ना होती, लेकिन उस वक्त एक ये भी प्रॉब्लम था कि जिसको पढ़ना नहीं था आता उसके सारे राज वो डाकिया पढ़ के सुन। नहीं, उस दौर में डाकिया तो बड़ा शरीफुल नफ्स इंसान हुआ करता था ना। देखिए, अगर किसी का झगड़ा हो जाता था तो उसमें सालिस का किरदार भी अदा करता था, किसी को मकान किराए पे चाहिए होता था तो प्रॉपर्टी डीलर भी बन जाता था, किसी की देख पकानी हो डाकिया पका देता सी, रिश्ते करवाता सी डाकिया, रिश्ता भी डाकिया करा, तलाका भी डाकिया करांदा सी। इहदे जो नुकसान नात ने ना वो तुसीं सोच नहीं सकदे। लड़ाई ते झगड़े की जड़ है। कैसे लड़ाई झगड़े की जड़ है? अगर फर्ज करो मैं तुम्हें मैसेज करा, तुम जवाब नहीं देना तो लड़ाई होगी ना। हर बंदे दी कोई ना कोई चीज जगह लेंदी। पहले डाकिया हुआ करते थे, फिर टेलीग्राम, फिर फैक्स, फिर लैंडलाइन फोन, फिर मोबाइल फोन और अब व्हाट्सएप। ओथों तक भी ठीक सी, फोन दी गल तुसी कीती, भाई चलो महल्ले च एक फोन आउंदा सी, साडा ते काम चल रहा हुंदा सी ना। उस कार किसे फोन आउंदा सी, बच्चा भेजदे सन कि जाके उधर जाके दसो कि तुहाडा फोन आया है, और वो आके बैठे रहंदे सन। फिर किसे टाइम फोन ना मिलना तो दोपहर हो जानी उत्थे बैठे। तू बकवास बंद कर, मैं भी यही दस रहा। वैसे ये जो डाकिया का थैला था ना, ये एक तलस्माती जंबील हुआ करती थी जिसमें ईद कार्ड्स, मनी ऑर्डर्स और तो और इम्तिहानों के नतीज भी हुआ करते थे। वीना जी, जेड़ा ईद कार्ड दा मजा आंदा सी, हां इंज करके ईद कार्ड ओ पढ़ना, ओ देखना, उसकी खुशी ते दिल बनया हुंदा सी। इहनां दे विच म्यूजिक लगा हुंदा सी, टीणी ना ना नू 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 नू, ओ भी हुंदा सी। वीना जी जदों डाकिया ने खत लैके आना ਉਹਦੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਨੁੱਕਰ ਪਾਟੀ ਔਰ ਹੀ ਫੋੜੀ ਵੇਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨੁੱਕਰ ਪਾਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਲਾ ਆਈ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਯੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਾਏ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜੂਬਾ, ਟੁਰ ਗਿਆ ਹਾਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਡਾਕੀਏ ਨੇ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਬ ਮੈਂ ਫਟ ਗਿਆ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿਆ ਹੁਆ? ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਨੁੱਕਰ ਪਾੜ खाते पूरा टब्बर रोन लग पिया, एक बंदे का नाम लैके बाहर से उन्होंने, बाकी सारे पिंड च सन। जिसले मैं सारा पाड़ के बाहर कढ़िया पढ़िया उन्हें पैसे भेजे। अब सुन रहा था मैं, जो मेरी बुराइयां चल रही थी ना, मेरा देन नहीं दे सकते तुम लोग। अच्छा, मुंह टेढ़ा मेढ़ा नहीं करो। क्यों मैं देन नहीं दे सकते? तुम्हारी मैंने, मैं तुम्हारे पास होता हूँ, तुम पता जब मैं बंद होता हूँ मैं सब रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ। ये जो बाबा बैठे सामने, नहीं दे बच्चे मैं ऑफ करता है पीछे हो। बाबा जी, आपकी एक सेकंड वीडियो पड़ी है मेरे पास, समझ रहे? तेरे को पड़ी है? हाँ, देखिए अगर ये टेंट्रम्स इसलिए दिखा रहे हो ना कि बहुत इन हो आजकल, हर एक के हाथ में घूम रहे हो। अरे मेरे बगैर तो आप लोग की लाइफ है ही नहीं, है ना? ये बंदा क्या जिंदगी गुजरी, पूरा गांव छान लेता था, अखबार होता था, यहाँ देखो ठक करके लिखा, वहाँ ठक करके चला गया। इनका टाइम चल रहा है ना? टाइम नहीं, बहुत कुछ चल रहा है। आप मेरे जरिए ग्रोसरी कर सकते हो, घर बैठे बैठे सब्जी आ जाएगी। इसको बोलो लाके दिखाए। दे पैसे मैं ले आऊंगा। इतना स्लो था ये बंदा, दिल जोड़ता था कोई साल दो साल में, मैं तो दो दिन में दिल जोड़ देता हूँ। और वही जुड़ा हुआ दिल दो दिन में टूट भी जाता है। वो आपका तजर्बा हो सकता है। ये तो मजा उदो आता जब कोई चार्जर ते लगा के सो जाता है। हाँ, ये मुझे शिकायत है यार, 24 घंटे तार कौन लगा के रखता है। बिना जी की मजा आता सी कि जो जाना खत पढ़ना सारे खानदान ने सामने बैठे होना, बाकी ने कुर्सी ते बैठे होना, ऐसे लस्सी का गिलास पियाना है, पढ़ना शुरू करना है खत, सारे फेस वेखने नहीं।
असल गल की होंदी सी कि जदों सलाम आंदा सी मेरा फलाने ने भी सलाम, दादी जी नू सलाम, दादा जी नू सलाम, फुफी दा की हाल है, मंगेतर दा सिर्फ इन्ना लिखिया होंदा सी और घर वालों को प्यार। उस बार जी मंगेतर है दुपट्टा इन्ना खमूश पा लैंदी सी कि मेरा जिक्र होया है। और भोले लोग सी जिन्हों सलाम कहंदे ओ वालेकुम सलाम भी कहंदा सी। अरे भाई दुनिया में चाहे जिस कोने में हो ना लड़का लड़की का निकाह करा देता हूँ मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा, ये बड़बड़ के बातें तो कर रहा है मोबाइल, अगर तुम में से वाईफाई का प्लग हटा दिया जाए ना तो तुम टकेगे नहीं। मैं डाटा पे चलूंगा। भाई सब दिन बंद रहा ना मान लो गल पे इन तू सोच नहीं सकते ये उदो देखने वाला होता जो मियां बीवी आपस लड़ते इन कंध च मार देंगे ने ठा जो कंध च वज के जमीन ते डिगदा ना ये इंज होया होंदा कितना चंगा इन्हां दा दौर सी। उस दौर च किसी कुड़ी या मुंडे दा खत फड़िया जांदा सी ना ठीक चौथे पंजवें दिन बाद शादी होई जांदी सी और खत लिखने के लिए सबसे जो खुश खत आदमी होता था ना उसे तलाश किया जाता। हाँ जी हाँ जी। और वो अपने आप को बड़ा कहते हैं ना मॉनिटर फील करता था मैं ही आऊंगा तो मैं खत लिखूंगा। साइकिल जो पिंड वढ़ते पिछले बच्चे ही बच्चे एकदम डाकिया नहीं आया बांदर आया बच्चे भी खुश हो जाते जो ये नैश आया ना इन्हें बच्चों नू पागल करता है किन्ने बच्चों नू एनका लग गई तुम पता है। ए मनी ऑर्डर आता ना डाकिया का अगर नहीं कोई रिसीव कर गया तो वापस चल जाता ये को पैसे आ जाए जायज कैश मुड़ के वापस आते ही नहीं। अयूब मिर्जा साहब जड़े ने जो इन्होंने पैसे आते हैं इन्हों मैसेज एक ही जाता है वो जो ये हाथ नहीं बने होंगे जिते बहुते पैसे आ जाने उ 15-20 भेज देता है जरा बहुते पैसे भेज दे फिर हाथ थोड़े जे खोलते हैं। अच्छा ये डाकी के पास और बड़ा एक तजर्बा हुआ करता था लव लेटर का फौरन पता लगा लेते थे। एक मिनट लग जाता सी कैसे उन्हें खुशबू लगी होती सी ओ तो पता लग जाता सी ए लव लेटर है। इन्होंने मैंने कोई अपना लव लेटर फड़ाया मिर्जा साहब ने। अच्छा जी। मैं बेहोश हो गया पता नहीं उते की लाया सी इन्हें 15 मिनट बाद पता नहीं जालम ने विच की गल्लां लिखी सी मेरे सामने खत नूं आग लग गई लोकी मैनूं डाके ने जादूगर समझण लग गए। उदों शेर विच सादे सादे होंदे सन नुक्कत लिखे होना डब्बे में डब्बा डब्बे में केक। मेरा अयूब लाखों में एक नीली नीली रोशनी कमरे में बंद है मैं क्या करूं मुझे असलम पसंद है। बुलबुल की चोंच में गुच्छा अंगूर का मिलने को दिल है मगर घर है तेरा दूर। मैं तो इशारे देता हूँ इमोजीज के थ्रू। अच्छा पता चल जाता है सामने वाली को यूं लव एंड मैड। यार ये बहुत क्यूट कितना है ये मोबाइल। मैं आपको दाग देना चाहता हूँ सिर्फ कोई मुझे तलवार ला दे।